समय आधुनिक और शास्त्री जी को माइक दे रहे हैं, ये आप लोग संबोधित करेंगे। आप लोगों के सामने उपस्थित किया इसलिए मैं सदैव हृदय से ऋणी रहूंगा। सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि धार्मिक न्यास बोर्ड परिषद एक बहुत बड़ी संस्था है और यह संस्था का प्रभाव संपूर्ण देश में रहा है। इसमें संत समाज के भी बड़े से बड़े लोग जुड़े और आम जनमानस भी इस जनता इस धर्म रूपी संस्था से जुड़ करके आज अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उस संस्था का मैं अध्यक्ष रहा और बहुत मेहनत से हम लोगों ने उस संस्था को बनाया और आज पूरे देश में उसका एक प्रभाव रहा। परंतु कुछ समय से जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेकर के संपूर्ण देश पर राज तो कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वह संतों का है। आज संत की कृपा से ही आज वह देश की सत्ता पर आसीन है। हम लोग भी उनके कहने के अनुसार ही काम करते हैं, जैसा उनका आदेश उस प्रकार से हम लोग हमारे टीम के लोग काम किया करते हैं। लेकिन मेरा एक स्वतंत्र मत रहा और यह मत रहा कि मैं जो वास्तविक धर्म का स्वरूप और वास्तविक देश की सेवा होनी चाहिए वह करना चाहिए, ना किसी की जवाबदूसी होनी चाहिए। और 2020 के चुनाव में हमें 6 जिला 19-20 के विधानसभा जो बिहार की हुई उसमें 6 जिला जिसमें बिहार, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार ऐसे कई क्षेत्र विधानसभा के रहे जहां पर आज तक बीजेपी या कोई अन्य पार्टी नहीं जीत पा रही थी, लेकिन हम लोगों के मेहनत से वहां पर भी वो जीते। परंतु पार्टी का जो विधि व्यवस्था था उसको लेकर हम लोगों ने एक आवाज उठाया पार्टी में कि आज हमारे देश के जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और वह कृषि प्रधान देश में किसान की दुर्दशा शायद आप लोग जान ही रहे होंगे। विगत 8 महीनों से किसान सड़कों पर पड़े हैं लेकिन किसी केंद्रीय नेतृत्व को इतना समय नहीं है कि किसान के बीच में जाए और न जाने कितने दुखद मृत्यु उनकी हुई है। बेरोजगारी उसी प्रकार से अपने सीमा को ला रही है और पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना महामारी के भयानक स्थिति में किस प्रकार से मजदूर को मजबूर कर दिया गया। लाखों किसान हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए और न जाने कितने सड़कों पर ही उनकी दुखद मृत्यु। यह सब विषय को जब हमने पार्टी में उठाया तो पार्टी का एक ही कहना था कि आपको जिस चीज का दायित्व दिया गया है बस उतना ही कार्य। तो फिर हमको लगा कि ऐसे पार्टी में रहना फिर अब हमारे लिए योग्य नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को जानने का और समझने का प्रयास किया और कांग्रेस परिवार से मेरा संबंध आज से नहीं है, आज से ये मेरा परिवार नहीं है। जब आदरणीय भागवत झा आजाद जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय से मेरे पारिवारिक संबंध उनके से रहे हैं, इसलिए मेरे यह शायद मेरे लिए नया परिवार नहीं है। पूर्व से हम लोग इस परिवार से जुड़े हुए थे परंतु किसी कारणवश हम लोग फिर गई गए, लेकिन पुनः आज हम सभी लोग अपने घर में आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मैं इस पार्टी से जुड़ करके देश की सेवा एवं जन जन की सेवा को कर सकूंगा। कांग्रेस परिवार के हजारों लाखों कार्यकर्ता